बप्पा रावल, नाम तो सुना ही होगा, 45 मुस्लिम राजकुमारियों से शादी की थी। गजनी जीतने के बाद बप्पा रावल ने वहां एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। सिर्फ यही नहीं, बप्पा रावल ने कंधार समेत खुरासान, तुरान, इस्पाहन, ईरानी साम्राज्य को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन्हीं सभी राज्यों के मुस्लिम शासकों ने अपनी बेटी की शादी बप्पा रावल से की। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ शासक उनके ही वंशज थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। अब वामपंथी इतिहासकारों की खेल समझिए। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को धोखे से हराया था, परंतु उसके बाद सीधे 12वीं शताब्दी के मुहम्मद गौरी का आक्रमण मिलता है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो भारतीय योद्धाओं ने उस आक्रमणकारी को खदेड़े हुए थे उसको गायब कर दिया गया।